हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी के इस सेशन में हम 40 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। इसके साथ ही ये क्लास बिहार पुलिस, यूपी टेट, सी टेट सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को कहते हैं। ऑप्शन है रस, छंद, अलंकार या फिर गुण। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। इसका राइट आंसर सी है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग स्टार लगाइएगा और याद रखिएगा। चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरें, व्यक्ति का गौरव तथा ... की एकता ... द्वारा सुनिश्चित होती है। तो आप लोगों को यहाँ रिक्त स्थान भरना है। ऑप्शन है राष्ट्र, बंधुत्व, बी है विश्व, समानता, सी है नीति, शिक्षा, डी है देश, स्वतंत्रता। तो व्यक्ति का गौरव तथा देश की एकता स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित होती है। इसका राइट आंसर डी है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। यहाँ आप लोगों को नहीं को ध्यान रखना है। ऑप्शन है महावीर, हत्या, अनंत या फिर कनक। तो कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है, तो हत्या शब्द अनेकार्थी नहीं है। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर रूपक अलंकार होता है। इसका राइट आंसर ए है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रस का स्थायी भाव शोक है। ऑप्शन है भयानक, करुण, शांत या फिर रौद्र। किस रस का स्थायी भाव शोक है, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। इसका राइट आंसर बी है। भयानक रस का स्थायी भाव पूछे तो भय होता है, इसको भी याद रखिएगा। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, निर्वेद, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। 28, 16, 26 या फिर 24। तो रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं। इसका राइट आंसर डी है, इसको आप लोग याद रखिएगा। विषम चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, इसको भी याद रखिएगा। विषम चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और सम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आदिकाल की रचना है। ऑप्शन है दीपशिखा, छत्रसाल दशक, खुमार रासो या फिर अखरावट। इस क्वेश्चन पे डबल स्टार लगाइएगा, साहित्य के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर दीजिए आप लोग। आदिकाल की रचना जो है खुमार रासो है, इसका राइट आंसर सी है। ये रचना जो है दलपति विजय की है, इसको आप लोग याद रखिएगा। दलपति विजय की है, इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। दीपशिखा जो है महादेवी वर्मा की है, महादेवी, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, महादेवी वर्मा की है। छत्रसाल दशक जो है ये भूषण की रचना है। अखरावट जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और आदिकाल की रचना खुमार रासो है, इसका राइट आंसर सी है। इसके रचनाकार जो हैं दलपत विजय हैं।
चारों क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके ऑप्शन से आप लोगों को चार क्वेश्चन मिले हैं, चारों के आंसर आप लोग वन लाइनर नोट्स में नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला पत्र है, ऑप्शन है उदंड मार्तंड, इतिहास तिमिरनाशक, बनारस अखबार या फिर हरिश्चंद्र मैगजीन। तो हिंदी का पहला पत्र जो है उदंत मार्तंड है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है चिंतामणि, आलोक पर्व, माटी का फूल या फिर क्षण बोले कण मुस्काए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संग्रह है चिंतामणि है, इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन है सदधन भावना, बी है समधन भावना, डी है सतधन भावना, सॉरी सी है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सद्भावना का संधि विच्छेद होता है सतधन भावना, इसका राइट आंसर सी है और सद्भावना में व्यंजन संधि है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या है, यहाँ तत्सम दिया है इसका आप लोगों को तद्भव बताना है। ऑप्शन है मदारी, तंत्रकारी, यंत्रकारी या फिर मिठाई। तो मंत्रकारी शब्द का तद्भव जो होता है मदारी होता है, इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, कुबेर का पर्यायवाची है, ऑप्शन है धनद, कुमार, स्कंद या फिर सर्भव। तो कुबेर का पर्यायवाची धनद होता है, इसका राइट आंसर ए है। इसके साथ ही धनाधिप, धनराज, धनेश, नरेश, ये सभी कुबेर के पर्यायवाची हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विलोम युग्म गलत है, आप लोगों को यहाँ बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन है मुख का विलोम वाचाल होता है, बी है संपन्न का विलोम विपन्न होता है, सी है मितव्ययी का विलोम अल्पव्ययी होता है, डी है सम्मुख का विलोम विमुख होता है। तो यहाँ आप लोगों को गलत बताना है कि कौन सा गलत है, तो इसका राइट आंसर जो है सी होगा। मितव्ययी का विलोम जो होता है अपव्ययी होता है, अपव्ययी, अल्पव्ययी जो है नहीं होता, तो इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन है इक, आई, इक या फिर ग। तो वैज्ञानिक शब्द का जो मूल शब्द है वो विज्ञान है, विज्ञान, इसमें इक प्रत्यय लगाने से वैज्ञानिक शब्द बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो है सी है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। छोटी ई और बड़ी ई में कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ऑप्शन है सुंदर, जवान, मनुष्य, बालक। तो बताइए आप लोग कि इसमें से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका राइट आंसर ए है, सुंदर जो है ये विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यह कौन सा कारक है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि कौन सा कारक है। ऑप्शन है करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक या फिर अपादान कारक। वह मुझसे अलग रहता है, तो जहाँ पर भी अलगाव हो वहाँ पर अपादान कारक होता है, इसका राइट आंसर डी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कौन सा सर्वनाम है, आप लोगों को बताना है कि क्या कौन सा सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो क्या जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। ऑप्शन है सार्वनामिक, गुणवाचक,
संख्यावाचक या फिर परिमाणवाचक। तो यह कुत्ता मेरा है, इसमें कौन सा विशेषण है? तो यह कुत्ता मेरा है, इसमें सर्वनामिक विशेषण है। इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन है अभि, अम्भ, अभ्य या फिर अ। तो अभ्यागत में अभि उपसर्ग है। इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। संख्या कहलाते हैं, काल कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं या फिर विशेषण कहलाते हैं। तो किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। इसका राइट आंसर सी है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पंछी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य रूप है। तो आप लोगों को इसका कर्मवाच्य रूप बताना है। ऑप्शन है पंछियों से पानी पिया जाता है, बी है पानी पंछी से पिया जाता है, सी है पंछियों से पानी पी जाती है, डी है पानी पंछियों से पिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ए होगा, पंछियों से पानी पिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि किस में अकर्मक क्रिया नहीं है। ऑप्शन है बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, बी है मजदूर छाया में सुस्ता रहा था, सी है बालक पतंग उड़ा रहा था, डी है दो छात्र बातें करते करते जोर जोर से हंस रहे थे। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा अकर्मक क्रिया नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, बालक पतंग उड़ा रहा था। अगला क्वेश्चन है, यह का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है तालु, मूर्धा, दंत या फिर ओष्ठ। तो इसका राइट आंसर जो है ए होगा, यह का उच्चारण स्थान तालु होता है। अगला क्वेश्चन है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन है व्यंजन, अयोगवाह, वर्ण या फिर स्वर। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण कहलाती है। इसका राइट आंसर सी है। अयोगवाह किसे कहते हैं या अयोगवाह में कितने वर्ण होते हैं, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिससे कि उन्हें भी हेल्प मिल सके। क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में है? ऑप्शन है मोहन ने पूछा राम की आय कितनी है, बी है सीता जानना चाहती है भाई घर कब आएगा, सी है मोहन बाजार गया था, डी है मोहन को बाजार क्यों जाना था। तो यहाँ आप लोगों को बताना है कि किस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, मोहन को बाजार क्यों जाना था, यहाँ पर प्रश्न किया गया है। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ ना आए, कहीं पर भी डाउट हो, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, पूछिएगा, उसका जवाब आप लोगों को दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा आप लोग। क्वेश्चन है, निम्न में सरल वाक्य है। ऑप्शन है राम पढ़ता है, बी है विमल खाना नहीं खा रहा है, सी है वह मेरा भाई है जो कमरे में बैठा है, डी है रीना खाना खा रही है। तो यहाँ पर सरल वाक्य बताना है आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर ए है, राम पढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? ऑप्शन है सगुण, सुफीमतवादी, वैष्णवमतवादी या फिर निर्गुण। तो कबीर की भक्ति का स्वरूप जो है निर्गुण है। इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रयुक्त वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? यहाँ आप लोगों को बताना है कि किस वाक्य में त्रुटि है। ऑप्शन है किया, बी है स्त्रियों,
सी है सम्मान, डी है भारत। तो यहाँ पर जो स्त्रियों है इस शब्द में त्रुटि है, तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, क्योंकि त्रुटिवाचक शब्द बताना है आप लोगों को। स्त्रियों में छोटी की मात्रा होती, स्त्रियों जो है शुद्ध ऐसे होता है, तो आप लोगों का राइट आंसर जो है बी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन है तिरस्कार, बी है तिरस्कर, सी है तिरस्कर, डी है तिरस्कार। तो आप लोगों को शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो इसका राइट आंसर ए है तिरस्कार। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है? ऑप्शन है माल से गोदाम, बी है माल बनाने के लिए गोदाम, सी है माल के लिए गोदाम, डी है माल और गोदाम। तो आप लोगों को माल गोदाम शब्द का समास विग्रह बताना है, तो इसका राइट आंसर जो है बी है। माल गोदाम का समास विग्रह माल बनाने के लिए गोदाम होता है। इसमें तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिल्ली को पहले दिन ही मारना चाहिए का सही अर्थ होगा? ऑप्शन है रौब पहले दिन ही पड़ता है बाद में नहीं, बी है भय का साम, सॉरी यहाँ समन होगा समान नहीं, समान शुरू में ही कर देना चाहिए, सी है जिस व्यक्ति के आश्रय में रहना उसी को हानि पहुँचाना, डी है बुरा समय आते ही सचेत हो जाना। तो बिल्ली को पहले दिन ही मारना चाहिए का सही अर्थ है भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए, इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? वधु, पिता, जनता या फिर उस? तो यहाँ पर जनता शब्द जो है ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, इसका राइट आंसर जो है सी है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? ऑप्शन है गुरुवती, गुरुनी, गुरु आइन या फिर गुरु आनी। तो यहाँ पर आप लोगों का गुरु का स्त्रीलिंग जो है गुरु आइन होता है, इसका राइट आंसर सी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPSI 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। विशेषण है, वाक्यांश है, सार्वनामिक विशेषण है या फिर संबंध कारक है? तो माँ का लड़का कहाँ गया, इसका जो उद्देश्य विस्तार है इसमें संबंध कारक है, इसका राइट आंसर डी है। ये भी क्वेश्चन UPSI 2021 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा। तो आप लोगों को बताना है कि पशु कौन सी संज्ञा है, तो पशु जो है जातिवाचक संज्ञा है, इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? ऑप्शन है कमेटी, कमर, कान या फिर कमरा। आप लोगों को बताना है कि कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, तो कान जो है ये विदेशी शब्द नहीं है, इसका राइट आंसर सी है। कमरा शब्द जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? राजभाषा, उपभाषा, बोली या फिर राष्ट्रीय भाषा। तो किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली जो हमारी स्थानीय भाषा है उसे बोली कहते हैं, इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, लिपि की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है
भाषा संकेत में, बी है भाषा बोलने में, सी है भाषा लिखने में, डी है तीनों में। तो लिपि की आवश्यकता जो होती है भाषा लिखने में होती है। इसका राइट आंसर सी है। क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, ज्योति का विलोम शब्द है चांदनी, तम, प्रकाश या फिर दीप्ति। तो ज्योति का विलोम जो होता है तम होता है। इसका राइट आंसर बी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है। ऑप्शन है, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, तो आपको बताना है कि किस भाग में अशुद्धि है। तो इसका राइट आंसर जो है सी है। यहाँ पर अनेकों लोग नहीं होगा, अनेक लोग होगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्पज्ञ का विलोम होता है अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ या फिर कृतज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम जो होता है सर्वज्ञ होता है। इसका राइट आंसर बी है। अनभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। अगर अनभिज्ञ का पूछे तो अभिज्ञ होगा। और कृतज्ञ का विलोम क्या होता है इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं। ऑप्शन है 4, 3, 2 या फिर 5। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ईमानदारी पूर्वक, और इस प्रैक्टिस सेशन को आप लोग ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी मदद मिल सके और आप लोग हिंदी में बेहतर से बेहतर स्कोर कर सके। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।